बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में सुशील कुमार मोदी ने अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी पिछले 6 महीने से कैंसर से जूझ रहे थे। सुशील मोदी 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने से उन्हें कैंसर की बीमारी थी। आज दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा, जहां फिर आगे के कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने ही खुद ये जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दी थी। लगभग 1 महीने पहले 3 अप्रैल को सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर ये बताया था कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में सक्रिय नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो कैंसर से ग्रसित हैं और सुशील कुमार मोदी का कल रात ही निधन हो गया है। सीमितीश कुमार ने भी शोक जताया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताया। उनके अचानक चले जाने से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। मंत्री मदन सहनी ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताया है। उपेंद्र कुशवाहा, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी इस खबर को सुनकर काफी मर्माहत हैं। और उसके बाद से ही आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी के पार्थिव शरीर को आज ही दिल्ली से पटना लाया जाएगा। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के पार्थिव शरीर को पटना ले जाने की अब तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से विशेष विमान से पार्थिव शरीर लाया जाएगा। पार्थिव शरीर के साथ उनके दोनों बेटे और निजी सचिव शैलेंद्र ओझा भी जाएंगे। दिल्ली एम्स से और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह। इस वक्त मैं दिल्ली में एम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कल रात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया था। सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को अब पटना ले जाने की तैयारी चल रही है। आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स अस्पताल से पहले दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है और उसके बाद दिन में 10 बजे विशेष विमान से उनके परिवार के सदस्य होंगे, जिसमें उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे और उनके निजी सचिव जो कि पिछले 25 सालों से साथ रहे हैं शैलेंद्र ओझा, वो भी साथ रहेंगे। सभी उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से लेकर के पटना जाएंगे, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों के लिए रखा जाएगा और लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बिहार की राजनीति में पिछले कई दशक से लगातार सुशील मोदी का बोलबाला रहा है। सुशील मोदी बीजेपी के शीर्ष नेता के तौर पर गिने जाते रहे हैं।